Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Before starting current affairs MCQ session of fourth May, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे. आपका कल का क्वेश्चन था, विच कंट्री टू होस्ट 2021 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप. कौन सा कंट्री होस्ट करने जा रहा है 2021 का वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप को. आपका ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूएसए. जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है उन्होंने कंफर्म किया है कि जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगा 2021 का वो शेड्यूल पे होगा नवंबर 23 से नवंबर 29 तक 2021 का हॉस्टन यूएसए पे. ये पहली बार है कि यूएसए होस्ट करेगा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप को. ये दोनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ये जो डिसीजन था उसको लिया गया था मीटिंग में आईटीटीएफ के एग्जीक्यूटिव कमेटी का. ये नोट करने वाली बात है कि जो 2020 का वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप था जो कि आपका बुसन साउथ कोरिया में होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया था कोविड 19 पैंडेमिक के कारण. अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी. रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबेल. यूएसए के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन, कैपिटल वाशिंगटन डीसी, करेंसी यूएस डॉलर. नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ मई. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एसपीओ2 बेस्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम डेवलप बाय होम. जो SPO2 बेस्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है किनके द्वारा. आपके ऑप्शन है डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डीआरडीओ. जो SPO2 ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन बेस्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है शोल्डर के लिए जो कि सर्व कर रहे हैं एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड एरिया पे या कोविड 19 पेंशन के लिए, उसको डेवलप किया गया है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी DEBEL के द्वारा जो कि आपका लोकेटेड है बेंगलुरु पे. ये ऑपरेट करता है DRDO के अंतर्गत, DRDO के अंतर्गत ही आता है इसलिए इसको DRDO ने ही डेवलप किया है. ये जो सिस्टम है वो डिलीवर करता है सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन बेस्ड को जो कि ब्लड सेचुरेशन लेवल को मेंटेन करता है. ये मदद करता है शोल्डर को सिंक करने से स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया से. हाइपोक्सिया है क्या? तो हाइपोक्सिया एक स्टेट है जब ऑक्सीजन जो है रीच कर जाता है टूथी पर, जो टिश्यू पे है ऑक्सीजन का रीचिंग इनएडिकेट हो जाता है. इस कारण जो उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट है बॉडी का वो फुलफिल नहीं हो पाता है. वो सेम कंडीशन है जैसा कि कोविड 19 में होता है. अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे. DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. इसका काम है मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है. इसके चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है. फाउंड किया गया था 1958 में. इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल स्पेस एजेंसी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका पे है. ये ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत जिसको कि डायरेक्टली देखा जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा जो चेयरमैन है इसरो के, और एक्ट करता है एग्जीक्यूटिव के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के. इसके डायरेक्टर के सिवान है. विप्रो लिमिटेड इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस सर्विस को. इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका पे है. इसके ओनर अजीम प्रेमजी है और फाउंड किया गया था 29 दिसंबर 1945 को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा. किनको अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल के तौर पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपके ऑप्शन है नवीन अग्रवाल, ऑप्शन बी सिद्धार्थ सिंह लोंगजम, ऑप्शन सी दिलीप राठ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ सिंह लोंगजम. आईएएस ऑफिसर जो है सिद्धार्थ सिंह लोंगजम वो टेक ओवर कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल का पोस्ट नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का. वो सक्सीड करेंगे नवीन अग्रवाल को जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था. सिद्धार्थ सिंह लोंगजम जो है वो करेंटली सर्व कर रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के. वो जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो करेंटली सस्पेंड हुए हैं नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के, उनके कारण उनको नियुक्त किया गया है. अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे. तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका एस्टेब्लिशमेंट 24 नवंबर 2005 को हुआ था. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है. इसका मोटो है प्ले फेयर. दिलीप राज जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था. तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के चेयरमैन दिलीप राज को अनेमिसली इलेक्ट किया गया है बोर्ड ऑफ ग्लोबल डेयरी बॉडी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के पोस्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु प्लान्स टू रेज दी एनपीएस एंट्री एज लिमिट टू 70 इयर्स. किसने प्लान किया है कि रेज किया जाए जो एनपीएस का एंट्री एज लिमिट है उसको 70 इयर्स तक. आपका ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी पीएफआरडीए, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पीएफआरडीए. जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीएफआरडीए, वो प्लान कर रहे हैं कि रेज किया जाए मैक्सिमम एज जो है एंट्री का नेशनल पेंशन सिस्टम में 70 इयर्स किया जाए 65 से. और उनका प्लान है कि वो अलाउ करेंगे जो ज्वाइन करते हैं अफ्टर द एज ऑफ 60 को वो कंटिन्यू कर सके एनपीएस अकाउंट को टिल 75 इयर्स तक. अभी प्रेजेंट एज लिमिट 70 है. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पीएफआरडीए है वो एड करेगा अराउंड 10 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर को फाइनेंशियल ईयर 2022 में फॉर एनपीएस और अटल पेंशन योजना के लिए जब इसको कंबाइन किया जाएगा.
अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ज्यूरिसडिक्शन में आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये रिस्पॉन्सिबल है इश्यू करने के लिए, सप्लाई करने के लिए इंडियन रूपी को और रेगुलेट करने के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। इसके प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट का भारत में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी है। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जिसका ओवरऑल सुपरविजन क्या है, रेगुलेट करना पेंशन को भारत में। फाउंड किया गया था 25 अगस्त 2003 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन सुप्रतिम बंदोपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई रेस्ट्रिक्टेड होम फ्रॉम इनरोलिंग न्यू कस्टमर फ्रॉम मई 1, 2021। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया है किनको इनरोल करने से न्यू कस्टमर को मई 1, 2021 से। आपको ऑप्शन है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, ऑप्शन बी डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, ऑप्शन सी नाइदर ए नॉर बी, ऑप्शन डी बोथ एएनबी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ एएनबी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड को पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को ऑनबोर्डिंग न्यू डोमेस्टिक कस्टमर के लिए उनके कार्ड नेटवर्क में मई 1, 2021 से, क्योंकि उन्होंने नन कंपाइलेंस किया था जो डायरेक्शन था स्टोरेज और पेमेंट सिस्टम डाटा का। अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर क्लब जो है वो ऑथोराइज और ऑपरेट करने के लिए कार्ड नेटवर्क को भारत में अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत। आरबीआई का जो रेगुलेशन है ओवर स्टोरेज और पेमेंट सिस्टम डाटा का हम इसको समझेंगे। अप्रैल 2018 में आरबीआई ने सर्टेन रेगुलेशन लाया था अंडर पीएसएस एक्ट के, ताकि जो स्टोरेज है पेमेंट सिस्टम डाटा का, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर का, जैसे कि डायरेक्ट किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा सारे डाटा जो कि रिलेटेड होगा पेमेंट सिस्टम का। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1921 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव हरियाणा में है। इसके सीईओ मनोज अदलका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन नेपाल पाल्पा। किस कंट्री ने बिल्ड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए नेपाल के पाल्पा रीजन में। आपका ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है इंडिया। इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया है ₹98.37 मिलियन का, जो कि इक्विवेलेंट है 6.17 करोड़ इंडियन रूपीज के, ताकि बिल्ड किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पाल्पा रीजन में नेपाल के। ये जो 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कुछ इस प्रकार है, श्री रामबा हायर सेकेंडरी स्कूल एट टाउन विजीसी पाल्पा डिस्ट्रिक्ट, श्री लक्ष्मी हायर सेकेंडरी स्कूल एंड टांचिन 5 बांडी पोकरा पाल्पा डिस्ट्रिक्ट, श्री नव आदर्श मल्टीपल कैंपस इन पाल्पा डिस्ट्रिक्ट। बूस्ट करने के लिए लर्निंग एनवायरमेंट को स्टडी को नेपाल में ये न्यूली बिल्ट स्कूल बिल्डिंग को वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है। करुण वंशन जो कि पहले सेक्रेटरी है एम्बेसी ऑफ इंडिया के और काठमांडू में, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कमिटी पाल्पा और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमिटी एंड लोकल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपाली रूपी। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, करेंसी पाकिस्तानी रूपी, कैपिटल इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महुआ साइन मऊ विथ होम टू सेटअप एन एक्सेलरेटर सेंटर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किनके साथ, ताकि वह सेटअप कर सके एक एक्सेलरेटर सेंटर को। आपका ऑप्शन है आईआईटी बीएचयू, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आईआईटी खड़गपुर के साथ, ताकि वो सेटअप कर सके एक एक्सेलरेटर सेंटर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट में। ये जो सेंटर है वो एक्ट करेगा एक इंक्यूबेशन हब के तौर पे, ताकि क्रिएट किया जा सके, डेवलप किया जा सके टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को। ये जो एक्सेलरेटर सेंटर है वो एक्ट करेगा सिमिलर जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आशा इंडिया इनिशिएटिव है, उसी के जैसे काम करेगा। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ, इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हरदीप सिंह पुरी है। आईआईटी खड़गपुर ये पहला आईआईटी है जिसको एस्टेब्लिश और रिकॉग्नाइज किया गया था एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे, एस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। इसके डायरेक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी है। आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन है। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर वी रामगोपाल राव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली हु विंस 2021 बार्केलोना ओपन। अभी हाल ही में किसने जीता है 2021 का बार्केलोना ओपन को। आपके ऑप्शन है राफेल नडाल, ऑप्शन बी मसीमो कैलवेली, ऑप्शन सी स्टेफेनोस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राफेल नडाल।
जो स्पेन के राफेल नेडल है उन्होंने डिफीट किया है ग्रीस के स्टेफेनोस सिटसिपास को, और उन्होंने जीता है 2021 का बार्केलो ओपन को जो कि 68th एडिशन था। स्टेफेनोस सिटसिपास के बारे में भी हमें पता चल गया कि इनको हरा के स्पेन के राफेल नेडल ने इस टूर्नामेंट को जीता है। ये 12th बार्केलोना ओपन टाइटल है राफेल नेडल का। 2021 का बार्केलोना ओपन है, इसको स्पॉन्सर किया गया है बैंक सेफडेल के द्वारा जो कि आपका बार्केलोना बार्केलोनिया स्पेन में ऑर्गेनाइज किया गया है। राफेल नडाल ने जीता है पहला वर्ल्ड टेनिस टाइटल को 2005 में। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी इसके सीईओ मैसिमो कैलवेली है, हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री कीप्स इट्स मार्स रोवर नेम जुरोंग, किस कंट्री ने रखा है अपने मार्स के रोवर का नाम जुरोंग। आपके ऑप्शन है यूएई, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। चाइना ने नाम रखा अपने पहले मार्स रोवर का जुरोंग जो कि एक ट्रेडिशनल फायर गॉड है। ये जो नेम है ये सिग्निफाइड करता है जो इग्नाइटिंग अ फ्लेम प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का चाइना का। अब हम जुरोंग के बारे में जानेंगे तो जुरोंग जो है वो ऑनबोर्ड करेगा ताइवान वाच स्पेस प्रोब का। ये अराइव करेगा मार्स, अराइव किया था मार्स के ऑर्बिट में फरवरी 2021 पे और ये लैंड कर गया प्लेनेट में मई 2021 में। जो मेन एम है ताइवान वन का वो एनालाइज करेगा, मैप करेगा मार्सियन सरफेस को और खोजेगा वाटर आइस को और स्टडी करेगा उसके क्लाइमेट और सरफेस एनवायरमेंट को। जुरोंग जो है चाइना बन गया तीसरा कंट्री जुरोंग के कारण सोवियत यूनियन और यूएसए के बाद जिसने अचीव किया है सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को मार्स पे। चाइना ने रिसेंटली पहला कंट्री बनाया जिसने लैंड किया एक स्पेस प्रोब को लिटिल एक्सप्लोरर साइड में मून के, और वो रिटर्न आया है अर्थ पे दिसंबर पे लूनर लॉक सैंपल के साथ सिंस 1970 के बाद से। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे तो चाइना का कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। चाइना के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसके एस्टेब्लिशमेंट 22 अप्रैल 1993 को हुआ था। इसके एडमिनिस्ट्रेटर जेंग केजियान है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफ बिन जैद अल नयन है, कैपिटल अबू धाबी, करेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। यूएई का मिशन है मार्स पे जो होप है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुटिन है, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एनसीडीएक्स, किनको अपॉइंट किया गया है न्यू एमडी और सीईओ के तौर पे एनसीडीएक्स के। आपके ऑप्शन है उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन बी ग्रेग बार्कले, ऑप्शन सी अरुण राजते, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अरुण राजते। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है उन्होंने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट अरुण राजते का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड एनसीडीएक्स के लिए फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए। वो सक्सीड कर रहे हैं विजय कुमार को। अरुण राजते जो है करंटली वर्क कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे तो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड एनसीडीएक्स इसका एस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। उत्पल कुमार सिंह जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपॉइंट किया है सीनियर आईएएस ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह को सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट में लोकसभा एंड लोकसभा सेक्रेटेरिएट के। ग्रेग बार्कले जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था तो ऑकलैंड बेस्ड कमर्शियल लॉयर और डायरेक्टर है इन न्यूजीलैंड क्रिकेट के सिंस 2012 से। ग्रेग बार्कले को इलेक्ट किया गया है न्यू चेयरमैन के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट वोन ई पंचायत पुरस्कार 2021, किस स्टेट ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021 का। आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश के उन्होंने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021 का। इनका रैंकिंग फर्स्ट है अंडर कैटेगरी 1 पे। जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है एफर्ट को यूपी गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंट करने में ई एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सेंटर एंड अदर एप्लीकेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट का। उत्तर प्रदेश के बाद असम है और छत्तीसगढ़ सेकंड पोजीशन में, ओडिशा और तमिलनाडु है आपके थर्ड पोजीशन में। ये जो अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ताकि प्रमोट किया जा सके यूज इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ताकि मॉनिटर करना जो है वर्क ग्राम पंचायत का आसान हो सके। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है, हु अलॉट इन्वेस्टमेंट इन डेप्थ सिक्योरिटी ऑफ इनविट एंड आरईआईटी, किसने अलॉ किया है इन्वेस्टमेंट डेप्थ सिक्योरिटी पे इनविट और आरईआईटी के। आपके ऑप्शन है सीसीआई, ऑप्शन बी इरिडा, ऑप्शन सी इरिडा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।